हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंट्राडे आइडिया में, जिसमें आपको डेली मार्केट और स्टॉक्स का अपडेट दिया जाता है। और हाँ, इस चैनल में आगे बताए गए सभी अपडेट आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है। डिस्क्लेमर जरूर रीड करिए एंड वीडियो देखने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकोन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे आपको तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कल यानी मंडे के लिए बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स एंड निफ्टी बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में। इंट्राडे स्टॉक्स से पहले आज के मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। आज मार्केट गैप अब 17,600 के लेवल पे ओपनिंग हुआ और 17,685 का हाई बनाया, फिर वहां से थोड़ी गिरावट देखने को मिली और मार्केट मॉर्निंग के लो पे आकर काफी देर तक 17,620 से 17,590 के लेवल पे रेंज बाउंड रहा। फिर ये रेंज नीचे की तरफ ब्रेक किया और मार्केट वहां से करीब 100 पॉइंट नीचे गिरा और 17,500 के लेवल पे सपोर्ट लेकर लास्ट आवर्स में थोड़ी रिकवरी लिया और पॉजिटिव क्लोज हुआ। आज के ट्रेडिंग सेशन के बाद आइए देख लेते हैं कल यानी मंडे 29 अगस्त के लिए मार्केट में ट्रेडिंग के लिए क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर मंडे निफ्टी में ऊपर के तरफ 17,690 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम कॉल्स बाय कर सकते हैं, और अगर निफ्टी 17,500 के डाउन साइड ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम पुट बाय कर सकते हैं। इसी तरह बैंक निफ्टी में ऊपर के तरफ 39,400 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम कॉल्स बाय कर सकते हैं, और अगर बैंक निफ्टी 38,800 के डाउन साइड ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम पुट बाय कर सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आगे वीडियो में दिया है, आप नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। निफ्टी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फ्रेंड्स, एडवांस में मैंने आज के लिए कल 4 स्टॉक्स दिए थे। पहला डिवीस लैब, दूसरा ओल्टी, तीसरा जेएसडब्ल्यू स्टील और लास्ट मैक डोवेल था, जिसमें से केवल एक स्टॉक्स ने हमारे लेवल्स को ट्रिगर किया। आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ और आज हमारे सभी स्टॉक सेल साइड थे, जिससे हमारे 3 स्टॉक्स डिवीस लैब, ओल्टी और जेएसडब्ल्यू स्टील लेवल को ट्रिगर नहीं किए, केवल मैक डोवेल ने लेवल ट्रिगर किया और ऑलमोस्ट ऑल टारगेट लगा, ब्लॉकबस्टर प्रॉफिट हुआ। आप प्रॉफिट बनाए कि नहीं कॉमेंट में जरूर बताना। इन स्टॉक्स के लेवल यस्टरडे के वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप भी अच्छा प्रॉफिट और लाइव कॉल्स चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से इंट्राडे आइडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, साथ में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करिए और लेवल्स को फॉलो करिए। जिन्होंने स्टॉप लॉस ट्रेल किया होगा, अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का वीडियो आई बटन में दिया है, देख सकते हैं। अगर आप भी वीडियो से कुछ सीख रहे और अच्छा रिजल्ट पा रहे तो वीडियो को लाइक करें। मैंने मंडे 29 अगस्त के लिए धमाकेदार 4 स्टॉक्स सिलेक्ट किया है। पहला हैवेल्स, दूसरा जिंदल स्टील, तीसरा इंडिया होटल और लास्ट चंबल फर्टिलाइजर है, जिनके लेवल्स आगे दिए हैं, देख सकते हैं और चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे। तब तक आप वीडियो में बने रहे। मेरा पहला स्टॉक है हैवेल्स, जिसे मैं 1331 के ऊपर बाय करूंगा और स्टॉप लॉस 1315 का रखूंगा, जिसके टारगेट नीचे दिए गए हैं, आप नोट कर सकते हैं। आइए लेवल को चार्ट पे देखते हैं। मेरा दूसरा स्टॉक है जिंदल स्टील, जिसे मैं 422 के ऊपर बाय करूंगा और स्टॉप लॉस 417 का रखूंगा, जिसके टारगेट नीचे दिए गए हैं, आप नोट कर सकते हैं। आइए लेवल को चार्ट पे देखते हैं। मेरा तीसरा स्टॉक है इंडिया होटल, जिसे मैं 282 के ऊपर बाय करूंगा और स्टॉप लॉस 279 का रखूंगा, जिसके टारगेट नीचे दिए गए हैं, आप नोट कर सकते हैं। आइए लेवल को चार्ट पे देखते हैं। मेरा लास्ट स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर, जिसे मैं 351 के ऊपर बाय करूंगा और स्टॉप लॉस 347 का रखूंगा, जिसके टारगेट नीचे दिए गए हैं, आप नोट कर सकते हैं। आइए लेवल को चार्ट पे देखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।